हम लोग हर संडे शाम को 6 बजे यहाँ एकत्रित होते हैं। आप सबका स्वागत है, अपने दोस्तों को भी लाइए। और जब हम इस तरह से एकत्रित होते हैं तब हमेशा प्रभु का वचन पवित्र बाइबल खोलकर उसमें से प्रभु हमको जो संदेश देते हैं वो संदेश सुनने की कोशिश करते हैं। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में जो इतिहास दिया हुआ है, हम बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से उस इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और उस इतिहास में प्रभु ने आज से हजारों साल पहले अदन नामक की जगह जो बहुत ही सुंदर बगिया बनाई थी, वहाँ से लेकर आदम और हव्वा, उनके बच्चे, नाती पोते, इस तरह से कंटिन्यूस इतिहास हम देखते आए। पिछले हफ्ते और उसके पहले हफ्ते, इन दो हफ्तों में हमने यूसुफ नाम के एक जवान की कहानी सुनी थी। यूसुफ बहुत ही सीधा, सच्चा, धर्मी, बुरे कामों से दूर रहने वाला बच्चा था। जब वह एक युवा था तभी उसने दो सपने देखे। एक सपना था कि गेहूं के गट्ठर बांध रहे हैं और यूसुफ का गट्ठर खड़ा हो गया और बाकी भाइयों के गट्ठरों ने यूसुफ के गट्ठर को प्रणाम किया। उसके भाई लोग बहुत नाराज हो गए, तेरे सपने का मतलब ये है क्या कि तुझ छोटे भाई को हम बड़े लोग प्रणाम करेंगे। लेकिन यूसुफ ने एक और सपना देखा जिसमें सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उसे प्रणाम कर रहे थे। उसके 11 भाई थे। तो ये सपना सुन के इवन यूसुफ के पिताजी ने पूछा, कैसी बात करता है तू, क्या तेरे 11 भाई और तेरे माँ बाप भी तुझे प्रणाम करेंगे क्या, इसका क्या मतलब है। लेकिन यूसुफ इन सपनों को अपने मन में रखे रहा, क्योंकि उस जमाने में प्रभु सपनों के द्वारा लोगों को दर्शन देते थे। बाद में यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के विरुद्ध जलन के कारण, याद होगा, पहले तो सोचा उसकी हत्या कर दें, लेकिन एक दो भाई हत्या के फेवर में नहीं थे, इसलिए उसको गुलाम के रूप में बेच दिया। पुराने ज़माने में गुलाम उसको ले जाके सुबह से शाम तक मशीन के समान काम करवाते थे और भाइयों का अनुमान था कि इस तरह से मिस्र देश में गुलाम का काम करेगा तो वहाँ पे मर खप जाएगा, तो अपने को इस छोटे भाई से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब प्रभु अपने एक बच्चे को बुलाकर उसको बताते हैं कि हे मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए तो मैंने ये नियुक्त किया है कि तुम इतने महान व्यक्ति बनो कि तुम्हारे माँ बाप भाई बहन तुमको प्रणाम करें, तो प्रभु ने जो बात कही है वो होकर रहेगी। यूसुफ को जिस व्यक्ति के पास ले गए थे वहाँ उसके ऊपर गलत आरोप लगा, उसको जेल में डाल दिया। जेल में वो काफ़ी समय रहा। यूसुफ पहले जिस मालिक के पास था वहाँ भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, जेल में था वहाँ भी प्रभु ने अनुग्रह दिया। जेल में दो लोगों को प्रभु ने इस तरह से सपने के द्वारा जानकारी दी। यूसुफ ने उसकी व्याख्या की। व्याख्या ये थी, एक से तो बोला कि तुमको तो फांसी पर चढ़ा देंगे और ऐसा ही हुआ। दूसरे से बोला कि तुमको राजा तुम्हारा जो पुराना पोजीशन है वो वापस कर देंगे, तुम राजा के साकी हो, मतलब जो राजा को जूस देता है, तुमको वापस राजा उसी पोजीशन में ले जाएगा। और हे मेरे बड़े भाई, हे महाशय, जब आप वापस महाराजाधिराज के पास पहुंच जाएंगे तो मुझ अभागे के साथ एक करुणा करें, मैंने कोई गलती नहीं की है, गलत आरोप में मैं यहाँ जेल में पड़ा हूँ, आप राजा से या महाराजाधिराज से कह के मुझे छुड़ा दें। वो आदमी भूल गया, 2 साल तक उसे यूसुफ की याद नहीं आई। 2 साल के बाद मिस्र देश के राजाधिराज ने दो सपने देखे जिसका मतलब कोई उसको नहीं बता पाया। तब अचानक राजा का जो साकी था उसको ये बात याद आई कि अरे, वो युवा जिसने मुझे सपने का मतलब सच सच बताया था और जिसने मुझसे ये याचना की थी, विनती की थी कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लेना,
उसने अचानक याद किया कि अरे वो निर्दोष, मैं तो भूल गया। उसने महाराज आदिराज को बताया, यूसुफ को बुलवाया गया। यूसुफ ने आके दोनों सपने सुने और बोला, महाराज आदिराज, दोनों सपनों का मतलब एक ही है और मतलब यह है कि अगले 7 साल इस मिस्र देश में इतना अन्न पैदा होगा जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद 7 साल अकाल, भयंकर अकाल पड़ेगा जब किसी तरह का अन्न नहीं पैदा होगा। सपने का मतलब यह है। उसके बाद यूसुफ ने एक सुझाव दिया, महाराज आदिराज मेरा एक सुझाव है कि किसी बड़े अफसर की देखरेख में अगले 7 साल जितना एक्स्ट्रा अन्न पैदा होता है उसको कलेक्ट करके रख लिया जाए और 7 साल के बाद जब अकाल हो तब लोगों को दिया जाए। तो महाराजाधिराज ने कहा कि इस सपने का मतलब बताने की बुद्धि जिसके पास है और ईश्वर जिस व्यक्ति के साथ रहकर उसको गाइड कर रहे हैं, उसको रास्ता दिखा रहे हैं, और जो इतनी बुद्धिमानी की बात करता है, इससे अच्छा और बुद्धिमान आदमी कौन हमको मिलेगा इस काम को करने के लिए। जब महाराजाधिराज फिरौन ने अपने दफ्तर के अपने मंत्रिमंडल में जो लोग थे उनको ये बात बताई तो सब बोले कि हाँ हाँ यही योग्य है। तुरंत फिरौन ने अपनी अंगूठी उतारी, यूसुफ को दे दी। उस अंगूठी का मतलब, हम आजकल जो अंगूठी पहनते ऐसी अंगूठी नहीं थी, ये आज अपन सील यूज करते हैं उसके समान था। तो राजाधिराज की सील यूसुफ को दे दी गई कि आज से इस मिस्र देश में सबसे बड़ा मैं और उसके बाद तू। जरा सोचें, भाई उससे घृणा करते थे, गुलाम के रूप में बेचा गया, पहले जहां उसने काम किया वहां उस पर गलत आरोप लगा के उसको जेल में डाल दिया गया, वहां उसने जिस व्यक्ति से मदद के लिए याचना की थी वो उसको भूल गया, लेकिन सब कुछ एक क्षण में बदल गया। इतनी कहानी या इतना इतिहास पिछले हफ्ते हमने सुना था। आज बाइबल के उत्पत्ति नामक पुस्तक के 41वें अध्याय से कुछ श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 40वें पद में हम देखते हैं, इस कारण तू मेरे घर का, मतलब तू मेरे राज्य का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। कौन है जरा सा ये, कौन है यूसुफ? गुलाम। उम्र कितनी थी? 46वें पद में लिखा है उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी। 30 साल का परदेशी जिसकी भाषा अलग है, जिसका कल्चर अलग है, जो कई सालों से सिर्फ जेल में पड़ा हुआ है, क्षण भर में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इजिप्ट मिस्र देश का महामंत्री बन जाता है। हमको कई बार लगता है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए अरे ईश्वर को छोड़ो, हम अपने आप हल निकालेंगे। इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु के वचन में इस तरह के कई इतिहास हम पढ़ते हैं जहां प्रभु ने जो कहा है वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। उस घटना के घटने से कुछ घंटे पहले तक यूसुफ को मालूम भी नहीं था कि जेल से कुछ घंटे के बाद वो महल में खड़ा होगा। मान लीजिए उसने सोचा भी होता कि मैं जाके महल में खड़ा हो जाऊंगा कुछ घंटों के बाद, तो भी वो ये तो नहीं सोच सकता कि मैं परदेशी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य का महामंत्री बना दिया जाऊंगा। कोई भी इस तरह से नहीं बनता है। सालों की ट्रेनिंग लगती है, वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब ईश्वर काम करते हैं तब जो चीज़ मनुष्य के लिए असंभव है वो संभव हो जाता है। क्षण भर में गुलाम से महामंत्री बन गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे और आपके जीवन में हमें ईश्वर की ज़रूरत और ईश्वर के मदद की ज़रूरत हर दिन और हर क्षण पड़ती है। हम में से हर व्यक्ति जीवन में बहुत ही कठिन स्थिति आमने सामने आता है। जब ऐसी स्थिति आती है तब कई बार हमको लगता है कि मनुष्य के बनाए हुए छोटे से, मनुष्य के बनाए हुए गलत रास्तों या गलत तरीकों के द्वारा इन चीज़ों का हल निकाला जाए। नो, आप यदि प्रभु की संतान हैं तो आपका जीवन प्रभु के नियंत्रण में है, आपका भविष्य प्रभु के नियंत्रण में है। आपने अपना भविष्य नहीं जाना है, लेकिन प्रभु ने आपका भविष्य जाना है। और ये प्रभु का वचन है, प्रभु की वाचा है कि जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करेगा, प्रभु पर भरोसा करेगा, प्रभु उसकी मदद करेंगे। तो जो कुछ घंटे पहले तक गुलाम था, अब मिस्र देश का महामंत्री हो जाता है। आगे वहाँ इजिप्ट के जो महाराजाधिराज थे, उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए। आज काफ़ी लंबा पोर्शन मैं कवर करना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं बताते जाना चाहता हूँ। एक बात जो महाराजाधिराज ने विशेष आज्ञा दी थी वो ये कि लोग यूसुफ को प्रणाम करें। जो महामंत्री है लोग उसको प्रणाम तो करेंगे ही, लेकिन फिरौन ने एक विशेष आज्ञा दी थी, लोग इस जवान युवा विदेशी महामंत्री को घुटने टेक कर प्रणाम करें। जरा सोच कर देखें, जो कल तक गुलाम था आज दुनिया के सर्वशक्तिमान देश में लोग ना केवल उसको झुक झुक के प्रणाम कर रहे हैं, महाराजाधिराज का आदेश है कि उसको घुटने टेक कर प्रणाम करें। ईश्वर जब किसी समस्या के लिए हल निकालते हैं तो वो हल मनुष्य जो कुछ सोच सकता है उस सोच से परे है। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, आप अपने जीवन में हो सकता है किसी बहुत ही गंभीर समस्या के साथ संघर्ष कर रहे हों। कोई भी समस्या हो सकती है, पढ़ाई लिखाई की हो सकती है, नौकरी पेशे की हो सकती है, धन आदि की हो सकती है, शादी ब्याह की हो सकती है, या आपको किसी ने धोखा दिया या आपके ऊपर गलत आरोप लगाया उसका हो सकता है। प्रभु पर भरोसा रखिए, क्योंकि प्रभु के वचन में ये बात स्पष्टतया बताई गई है कि प्रभु के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। दूसरी बात, प्रभु स्वयं अपने वचन में ये बताते हैं, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा, तुम डरना मत, मैं सुरक्षा करूँगा। तो क्षण भर पहले तक जो स्थिति मुझे और आपको असाध्य लगती है, क्षण भर में उसका हल प्रभु निकाल सकते हैं। शर्त है प्रभु का समय आने तक हमको वेट करना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में किसी समस्या से संघर्ष कर रहे हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रभु अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, बच्चों का जीवन प्रभु के नियंत्रण में है, प्रभु के समय तक वेट करें। अच्छा, अब यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने सुकाल के 7 वर्ष में भूमि में बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर नगर के चारों ओर के खेत की भोजन वस्तुओं को उसी नगर में इकट्ठा करता गया। मिस्र तो बहुत बड़ा देश था, बहुत फैला हुआ था, तो जिस जिस प्रदेश में लोग रहते थे, खेती करते थे, और जहाँ एक्स्ट्रा अन्न हुआ, 7 साल वहाँ बड़े बड़े गोदाम बनवा के वहाँ पर उसको स्टोर करता चला गया। 7 साल के बाद जब यूसुफ 37 साल का हुआ, अभी भी मंत्री बनने की उम्र नहीं हुई है, लेकिन वो तो महामंत्री हो चुका है, 30 साल की उम्र में जो महामंत्री है, 7 साल समाप्त हो गए। 54वें पद में लिखा हुआ है, यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया, सब देश में अकाल पड़ने लगा, मिस्र देश का सारा देश भूखों मरने लगा,
प्रजा फिरौन से चिल्लाकर रोटी मांगने लगी, एग्जैक्टली जिस तरह से यूसुफ ने कहा था। अकाल पड़ा, लोग वहाँ पर भयानक रोना मच गया, लोग महाराजाधिराज के पास गए कि महाराजाधिराज कोई इलाज कीजिए। महाराजाधिराज ने कहा कि इस देश का महामंत्री जिसको ईश्वर ने हमारे बीच भेजा है, उसने तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल रखा है, रास्ता खोजा है, जाओ यूसुफ के पास जाओ और वो तुम्हारे लिए इसका हल निकालेगा। लोग यूसुफ के पास गए, यूसुफ ने हर शहर में बड़े बड़े जो गोदाम थे खोलकर लोगों को अन्न देना शुरू किया। तो लोग जब यूसुफ के पास अन्न के लिए जाने लगे, यूसुफ ने अन्न देना शुरू किया। इस बीच इजिप्ट के आसपास के जो देश थे वहां पर भी अकाल पड़ने लगा। यूसुफ का जो परिवार था वो अकाल से भूखे होने लगे, कोई रास्ता नहीं था। यूसुफ के पिताजी ने कहीं से किसी से खबर सुनी कि मिस्र देश में अन्न है। 42वें अध्याय में शुरू में हम पढ़ते हैं, याकूब ने, मतलब यूसुफ के पिताजी याकूब ने सुना कि मिस्र देश में अन्न है। तब उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, जाकर अन्न लाओ। तो याकूब के 12 बेटों में यूसुफ तो जा चुका था, सबसे छोटे को याकूब ने अपने पास रख लिया कि ये मेरे बुढ़ापे का बेटा है, एक तो ख़त्म हो चुका है, ये भी ख़त्म हो जाएगा तो मुझे बहुत परेशानी होगी, तुम 10 लोग जाओ। तो 10 भाई लोग इजिप्ट में गए। अच्छा, 10 भाई लोग इजिप्ट में पहुंचे तो अन्न के लिए जैसे ही विदेशी लोग पहुंचे, यूसुफ को खबर मिली। 6वें पद में लिखा हुआ है, यूसुफ मिस्र देश का अधिकारी था, परम अधिकारी था, उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। सपना क्या था? पहला सपना था कि तुम्हारे भाई तुमको दंडवत करेंगे। आज यूसुफ 37 या 38 साल का हो गया, अचानक उसको वो सपना याद आया, तेरे भाई तुझे प्रणाम करेंगे। यूसुफ को जब उन्होंने गुलामी में बेचा था, उस समय शायद वो 18 से 24 के बीच में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, मोस्ट प्रोबेबली 18-20 के आसपास का था। 38 साल की उम्र में उसके भाई उसको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, उसको सपना एकदम से याद आ गया। मैं और आप उसकी जगह पर होते तो क्या करते? देखिए, मिस्र देश ना केवल दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, मिस्र देश की आर्मी और मिस्र देश में राजा के अंगरक्षक वगैरह जो होते थे, मंत्री के अंगरक्षक, उनकी तो आदत थी कि किसी ने यूं मुड़ के देख लिया गलत डायरेक्शन में तो गला काट देते थे। इवन राजा के परिवार में जन्म लिए हुए जो लोग थे, मतलब राजकुमार और राजकुमारी, उन लोगों के भी जीवन की कोई गारंटी नहीं थी। मैं पिछले दिनों मिस्र देश का इतिहास पढ़ रहा था, उसमें एक राजकुमार अपनी बहन से नाराज हो गया, जो राज्य कर रहा था वो अपनी बहन से नाराज हो गया, तो उसने क्या किया कि अपनी बहन को पत्थर के एक टंकी में बंद करवा दिया, टंकी में डाला, बंद करवा दिया, जरा सा छेद रखा हुआ था जिसमें से उसको अन्न और पानी दिया जाता था। जिंदगी भर वो कन्या उस पत्थर के टंकी में पड़ी रही, मल विसर्जन में ही, मूत्र विसर्जन में ही, सोना वहीं, जागना वहीं। राजकुमारी थी लेकिन वहां तिल तिल सड़के उसकी मृत्यु हुई। जिस मिस्र देश में राजकुमार या राजकुमारी की यह हालत थी,
कि जरा सी नाराजगी से उसका जीवन खींच लिया जाता था, तो उस देश में जब उसका महामंत्री जो सर्वशक्तिशाली है, जब 10 विदेशी लोग आए तो इन विदेशियों की क्या औकात। यूसुफ तो जस्ट इशारा कर देता तो ले जाके उनको जेल में डाल देते और कल को काट के सबको मार डाला जाता, कोई यूसुफ से पूछने वाला नहीं था। यूसुफ ने ऐसा किया क्या? हाँ, यूसुफ ने जो किया उससे भाइयों को लगा कि, भाइयों को पता ही नहीं चला कि ये यूसुफ है, लेकिन भाइयों को ये जरूर लगा कि अब अपनी जान गई। देखिए यूसुफ ने उनसे क्या कहा। यूसुफ ने पहचाना परंतु उनके सामने भोला बनके कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? अच्छा, यूसुफ ने उन स्वप्नों को स्मरण करके उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। जरा सोचिए, भाई लोग कैसे रो दिए होंगे। वाकई में जब अपन इस चरित्र को, यहाँ इस इतिहास को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाइयों की तो बड़ी खराब हालत हो गई। वो एक दूसरे से बोलने भी लगे कि हमने आज से बहुत साल पहले अपने भाई यूसुफ के साथ जो कुछ किया था उसकी सजा प्रभु हमको दे रहे हैं। यूसुफ ने कड़ाई से जो व्यवहार किया उसका कारण ये नहीं था। यूसुफ जानना चाहता था कि मेरे भाइयों के जीवन में कोई बदलाव आया है क्या, कोई परिवर्तन आया है क्या। अच्छा, वो लोग यूसुफ को इसलिए नहीं पहचान पाए कि 18 से लेकर एक 30-35 साल की उम्र में आदमी का शरीर एकदम से डेवलप करता है, और कई बार लोग इतना ज़्यादा बदल जाते हैं कि उनको देख के पहचानना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, इजिप्शियन लोग एक प्रत्येक वेशभूषा में ही अपने दफ्तर में, मतलब अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ आते हैं। सुबह ही नदी में जाकर स्नान करने से पहले वो सर से लेकर टॉप से लेकर दाढ़ी तक एक एक बाल साफ करते हैं, सर पूरी तरह से सफा चट रखते हैं, दाढ़ी पूरी तरह से सफा चट रखते हैं। स्नान वान करने के बाद एक बहुत बड़ा सा उनको पहनाया जाता है जो उनके नकाब जैसा चेहरा सामने रहता है, लेकिन बाकी सब के ऊपर एक इस तरह सा आवरण होता है, और सोने की एक आर्टिफिशियल दाढ़ी यहाँ पर फिट कर दी जाती है, यूँ बांध दी जाती है। अब एग्जैक्टली इस वेशभूषा में यूसुफ को उन्होंने देखा या नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन जब वो यूसुफ को प्रणाम करने के लिए आए, यदि वो अपने स्वयं के सिंहासन पर बैठा था तो वो ऐसे ही वेशभूषा में था, तो उसको वैसे ही पहचानना मुश्किल है। दूसरी बात, वो उन लोगों से अपनी भाषा में बात कर रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है वो मिस्र देश की भाषा में बात कर रहा था, और एक ट्रांसलेटर था जो इसका अनुवाद उनको सुना रहा था, इसलिए उनको बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये यूसुफ है। सबको यूसुफ ने जेल में डाल दिया। अब उनको और डर लगा कि आज से कुछ साल पहले हमने अपने छोटे भाई के साथ जो किया था प्रभु हमको उसका बदला दे रहे हैं। लेकिन बाद में यूसुफ ने उनको जेल से निकाल कर कहा, देखो मैं एक ईश्वर का भाई मानने वाला व्यक्ति हूँ, हाकिम हूँ, इसलिए मैं तुमको छोड़े देता हूँ, लेकिन आइंदा अच्छा व्यवहार करना। और यूसुफ ने क्या किया, उनमें से एक को पकड़ के जेल में डाल दिया, बोला कि तुम बोल रहे थे ना कि तुम लोग 12 भाई हो जिसमें से एक मर गया और एक अभी घर पे है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग सच बोल रहे या गलत बोल रहे हो, एक को मैं जेल में रखूँगा, तुम छोटे भाई को लाओ तब मैं इसको छोड़ूंगा। ये भाई लोग अपने फादर के पास गए, रास्ते में लोगों ने अपना थैला खोला तो पता चला कि उन्होंने जो पैसा मिस्र देश में दिया था वो सारा पैसा भी थैले में रखा हुआ है, यूसुफ का आदेश था उससे वो सीक्रेटली रख दिया गया। वो लोग और डर गए। घर पहुंचे तो फादर रो दिए कि एक बेटा तुम लोगों के कारण जंगली जानवर फाड़ के खा गया, और दूसरे को जो है मिस्र देश में तुमने उसको अरेस्ट करवा दिया, वो भी मरने के बराबर है। सब रो दिए, फिर फादर रो दिए, बड़े भाई रो दिए, सबके सब रो दिए। सच कहा जाए तो कैसी भयानक स्थिति थी। लेकिन मिस्र देश से वो लोग जो अन्न लाए थे वो कितने दिन तक चलता,
कुछ दिन में वो अन्न खत्म हो गया, फिर ये लोग भूखे मरने लगे। तो फादर ने कहा कि जाओ फिर से और अन्न खरीद के लाओ। तो बोले अब क्या जाए, वो जो मंत्री है महामंत्री, उन्होंने तो कह दिया था कि छोटे भाई को लाओ। तो फादर बोले कि दो खत्म हो गए, अब तीसरे को भी मैं जाने दूं? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब भयंकर अकाल पड़ा तो भाइयों में से एक यहूदा, उसने कहा कि मैं गारंटी लेता हूं, मेरे साथ भेज दीजिए। इस तरह से फाइनली यूसुफ को, यूसुफ के सबसे जो छोटा भाई था उसको भी भेज दिया। ये लोग जब आ गए तो जो जेल में था उसको भी इनके साथ भेज दिया। 11 भाई हो गए और यूसुफ ने उनको एक फीस्ट, एक भोज दिया। उस भोज में यूसुफ अलग मेज पर बैठता था, क्योंकि मिस्री लोग ये यहूदियों के साथ खाना नहीं खाते थे। तो वो अलग टेबल पर बैठा अपने साथ के लोगों के साथ, इनको अलग टेबल पर बैठा। एक चीज भाइयों को समझ में नहीं आई कि वहां के दासों ने आकर उनको उनके उम्र के क्रम से बैठाया, बड़े भाई को, सबसे बड़े को, उससे छोटे को, उससे छोटे को, और सबसे छोटे भाई को सबसे आखिर में। तो उन्होंने कहा ये कैसी बात है, ये कैसे इनको पता चला कि हम इस क्रम में पैदा हुए हैं। अच्छा, यूसुफ ने खाना वाना दिया, उसके बाद वो जिन उनको जो अन्न वगैरह वो लोग चाहते थे वो सारा अन्न भी दे दिया। उसके बाद यूसुफ ने अपने दासों को एक विशेष आज्ञा दी, वो आज्ञा ये थी, ये लोग पिछली बार का पैसा वापस लाए हैं, वो हमको मिल गया, इस बार जो खरीदा उसका पैसा भी मिल गया, ये सारा पैसा फिर से उनकी बोरियों में रख दो और महामंत्री जिस कप में दाख मधु पीता है, अंगूरी शरबत पीता है, उसको सबसे छोटे भाई की बोरी के अंदर रख देना। देखिए, मिस्र देश का सिस्टम था कि एक विशेष पात्र में ही महामंत्री अंगूरी शरबत पीता था, बहुत ही बहुमूल्य पात्र था, उसको रख दिया। क्या प्लान था, जैसे ही ये लोग कुछ आगे बढ़े तो यूसुफ ने अपने घर के मुखिए से कहा जाओ पकड़ लो, बोलो चोरी क्यों की, मेरे स्वामी की उदारता का तुम लोग नाजायज फायदा उठा रहे हो। ऐसा ही यूसुफ के दास ने किया, जाके उनसे कहा कि अच्छा, एक तो चोरी और वो भी ऐसी चीज की चोरी। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम सब की बोरियां खोल के देखेंगे और जिसके हाथ में, जिसकी बोरी में वो मिले, वो मिस्र देश में गुलाम हो जाएगा। याद रखें, उन्होंने अपने एक भाई को मिस्र में गुलामी के लिए भेजा था, अब यदि चोरी की है तो एक भाई को और गुलाम बनना पड़ेगा। एक एक करके थैला खोला, सबसे छोटे भाई के थैले में निकला। ये देख के उन सबके प्राण सूख गए। अब छोटे भाई का क्या होगा, पिताजी का क्या होगा? यहूदा ने जाकर रिक्वेस्ट किया कि मेरे भाई के, छोटे भाई के बदले मुझे गुलाम बनाया जाए। नहीं नहीं, जिसने चोरी की है वही गुलाम होगा। सबको वापस बुलाया गया। जरा सोचें, आज से 10 या 15 साल पहले उन्होंने अपने जिस भाई को मिस्र देश में गुलामी के लिए बेच दिया था, उस मिस्र देश में कितनी बार उनको मृत्यु और जीवन आमने सामने देखना पड़ा। हर बार उन्होंने इस बात को याद किया कि हमने
अपने 11वें भाई के साथ जो किया है ये उसकी सजा है? नहीं, ये उसकी सजा नहीं थी। ईश्वर प्रभु बार बार उनको याद दिलाना चाहते थे कि तुमको प्रभु ने विशेष रूप से चुना है, ऐसे 12 लोग हो और इस कारण तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुमने जो भी किया है उससे प्रायश्चित करके एक नया जीवन बिताओ, जिससे कि तुम्हारे द्वारा मेरा संदेश सारी दुनिया में पहुंच सके। सब लोग वापस गए, यूसुफ के पैर पड़े। इस बार कितने लोग यूसुफ के पैर पड़े? 11 लोग। सपने में यूसुफ ने क्या देखा था? गेहूं के 11 गट्ठर उसके गट्ठर को प्रणाम कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। यूसुफ अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाया, वो उसने एकदम से वो रो पड़ा, मैं यूसुफ हूं तुम्हारा भाई। जरा सोचिए कि क्या उनकी हालत हुई होगी। एक तरफ से डर, दूसरी तरफ से इस बात की गारंटी कि आज तो अपने प्राण ले लिए जाएंगे, ये हमारे जीवन का आखिरी दिन है। नहीं, यूसुफ ने उनसे कहा, तुमने बुराई की लेकिन प्रभु ने मुझे तुम लोगों से आगे भेजा जिससे कि मैं तुम लोगों की सुरक्षा कर सकूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यूसुफ की कहानी मेरी और आप सबकी कहानी है। हम सबको प्रभु अनुग्रह देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग या जिनके लिए हम नौकरी करते हैं, वो लोग हमको हर तरह से सताते हैं, हर तरह से धोखा देते हैं और मेरे और आपके जीवन में जो होना चाहिए वो हमसे छीन लेते हैं। लेकिन जिस तरह से यूसुफ ने ईश्वर पर भरोसा रखा था, भरोसा रखिए। उस समय तक वेट कीजिए जब तक प्रभु का समय है, और जब वो करेक्ट समय आएगा तब प्रभु रास्ता खोलेंगे। यूसुफ बहुत अपने भाइयों से लिपट कर रोया, यहाँ लिखा हुआ है लिपट कर रोया। उसके मन में किसी तरह से बदले की भावना नहीं थी। उसने अपने भाइयों से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा परिवार यहाँ आ जाए, मैं तुम सबकी सुरक्षा करूँगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जाकर फादर को बताया कि यूसुफ जीवित है और यूसुफ चाहते हैं कि आप भी वहाँ चले। और यूसुफ ने जो रथ अपने पिताजी और परिवार वालों के लिए भेजे थे वो सब दिखाए, तब याकूब को यकीन हुआ और याकूब और सारा का सारा परिवार एक साथ इजिप्ट में पहुँच गया। इजिप्ट में पहुँच कर वहाँ के कस्टम के अनुसार, याद रखें, फैमिली, परिवार, माँ बाप भाई कुछ नहीं। मिस्र देश में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ के कस्टम के अनुसार, वहाँ के तौर तरीके के अनुसार उसको महामंत्री को प्रणाम करना ही पड़ेगा। जब यूसुफ के परिवार ने जाकर यूसुफ को साष्टांग प्रणाम किया, तब दूसरा सपना जिसके द्वारा प्रभु ने यूसुफ को भविष्य की बातें बताई थी वो पूरी हुई। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा और आपका जीवन प्रभु के हाथ में है। प्रभु हमको जीवन की हर परिस्थिति में छुटकारा देंगे। शर्त, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रभु के समय तक इंतजार करें। उसके पहले कोई भी दुनियावी शॉर्टकट या जुगाड़ ना करें, प्रभु पर इंतजार करें। वहाँ गए यूसुफ के साथ, वो लोग रहे, परिवार बहुत ही संपन्न हालत में रहा। फाइनली जब हम 39 या 49 और 50 अध्याय में आते हैं तब देखते हैं कि यूसुफ के पिताजी गुजर जाते हैं,
यूसुफ ले जाकर उनको दफनाने के लिए तैयारी करता है, दफनाने के बाद वापस आता है, तब एक घटना हुई जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारे पिताजी गुजर गए हैं, तब वे कहने लगे, शायद यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा बदला हमसे ले। उन्होंने यूसुफ के पास कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले आज्ञा दी थी, हम विनती करते हैं कि अपने भाइयों के अपराध और पाप क्षमा कर देना। इस कारण परमेश्वर के दासों के अपराध को क्षमा कर दें। यूसुफ की क्या प्रतिक्रिया थी यह सुनकर यूसुफ रो पड़ा। वहां लिखा है कि यूसुफ ने पूछा कि क्या मैं ईश्वर के स्थान पर हूं जो मैं तुमसे बदला लूं। जीवन में ईश्वर जो कहते हैं एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ईश्वर जीवन का नियंत्रण करते हैं, हमको ईश्वर पर भरोसा रखना है। इन सब का एक सबसे बड़ा उदाहरण है यूसुफ का जीवन चरित्र। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज का उदाहरण भी है और वो है क्षमा। यूसुफ चाहता तो अपने 10 भाइयों से बदला ले सकता था, नहीं लिया, बल्कि वो रो पड़ा, मैं ईश्वर की जगह पे हूं क्या? क्यों? इसलिए कि यूसुफ इस बात को अच्छी तरह से पहचान गया कि उसके जीवन में जितनी घटनाएं हुई सब प्रभु के नियंत्रण में हुई और इसलिए बदला लेना उसके लिए उचित नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला ईश्वर का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ बुराई की है, कल को यदि ऐसे व्यक्ति के साथ बदला लेने का अवसर मिले तो प्रभु के बच्चे होने के कारण, प्रभु की संतान होने के कारण मेरा और आपका व्यवहार यूसुफ के व्यवहार के समान ही होना चाहिए। आज प्रभु के वचन से हमने जो पोर्शन, जो हिस्सा लेकर जिसका अध्ययन किया, उसमें हम 3 महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। पहली बात, कठिनाई, परेशानी, दुर्दशा, धोखा खाना, मुसीबत, इवन मृत्यु, मुखामुख मृत्यु देखना, मृत्यु का आमना सामना करना मेरे आपके हर एक के जीवन में आएगा। बल्कि आप यदि एक अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मी व्यक्ति हैं, दूसरे को धोखा नहीं देते, आपके जीवन में यदि दुष्टता नहीं है, आप सीधे साधे व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में धोखा पाने की संभावना बहुत अधिक है। और इसलिए यदि मेरे प्रिय भाई और बहनों में से किसी के जीवन में इस तरह से भाइयों बहनों जिनके साथ आपने नौकरी की है उनकी तरफ से, समाज की तरफ से धोखा हुआ है, तो इस बात को याद रखें कि ऐसा हजारों साल से होता आया है। लेकिन एक प्रभु की संतान जब वो धोखा खाता है तब उसके सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि आपके जीवन में मुसीबत आई है, आपके साथ धोखा हुआ है, दूसरी बात याद रखें, आप प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु की संतान हैं, इस कारण आपका जीवन प्रभु के नियंत्रण में है। और यदि आपका जीवन प्रभु के नियंत्रण में है तो जिस चीज को प्रभु नियंत्रित कर रहे हैं उसको जबरदस्ती अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश ना करें। जिस तरह से यूसुफ ने अपने जीवन को प्रभु के नियंत्रण में छोड़ दिया था, उस तरह से आप भी अपने जीवन को प्रभु के नियंत्रण में छोड़ दीजिए, और जिस तरह से यूसुफ के जीवन में प्रभु ने उसका उपयोग किया था वैसा ही आपके जीवन में होगा। तीसरी बात, यूसुफ के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि वो परमेश्वर की संतान था, ईश्वर का बच्चा था, वो ईश्वर की संतान था,
तीसरी बात जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो यह है कि जिसने भी ये संदेश आज प्रभु के वचन से सुना है, उसमें से हर भाई और बहन को ये सोचना चाहिए, क्या मैं पवित्र ईश्वर की संतान हूँ? क्या मैंने ईश्वर के आत्मिक परिवार में जन्म लिया है? आज से बहुत साल पहले ये आत्मिक जन्म ये कैसे होता है, कैसे पाया जाता है, ये मेरे फादर ने मुझे बताया। उस क्षण वहीं पर घुटने टेक कर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं इस बात को समझ गया हूँ कि पाप की सजा मृत्यु है, मैं इस बात को भी समझ गया हूँ कि मुझे मृत्यु से जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में पधारे, मैं ये भी समझ गया हूँ कि प्रभु यीशु ने सूली पर अपना जीवन बलिदान किया, मेरे लिए किया, मेरे पाप की सजा के लिए किया, और इस कारण आज उस बलिदान को मैं स्वीकार करता हूँ। जिस क्षण मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना करके प्रभु यीशु की सूली पर के बलिदान को स्वीकार किया कि यह मेरे लिए है, उस क्षण से मेरे जीवन में एक नई खुशी आई है, मेरे जीवन में एक नई शांति आई है, क्योंकि तब से मैं परमेश्वर के प्रभु के परिवार का अंग बन गया हूँ। आज यहाँ पर जितने भाई बहन बैठे हैं, इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस नए जीवन का अनुभव किया है, जिन्होंने इस नए अनुभव को पाया है। आपसे मेरा प्रश्न ये है, क्या आपने पाया है? क्या नहीं पाया है तो आज इस सभा के बाद हम में से यहाँ कई लोग हैं जो इस बात को विस्तार के साथ आपको बताएंगे किस तरह से कि मनुष्य पापी है, पाप की सजा मृत्यु है, लेकिन उससे उसको बचाने के लिए प्रभु यीशु संसार में पधारे, उन्होंने अपना जीवन सूली पर बलिदान के रूप में दिया। आज जो भी उस बलिदान को स्वीकार करता है वह इस नए जीवन को पाता है। आपने पाया है क्या? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन को ईश्वर उस तरह से कंट्रोल करे या नियंत्रित करे जिस तरह से यूसुफ के जीवन को कंट्रोल या नियंत्रित किया था, तो जरूरी है कि पहले उस नए जीवन को पाएं। इसको पाने के लिए प्रभु आपकी मदद करें। इस हॉल को छोड़कर बाहर जाने से पहले इस बात का यकीन कर लीजिए कि आपने ये नया जीवन पाया है। नहीं समझ में आई? जैसा मैंने इसके पहले भी बताया, कई लोग हैं यहाँ पर जो आपको ये सारी बातें बताने के लिए, समझाने के लिए तैयार है। आज इस संदेश को सुनने के लिए प्रभु ने आपकी मदद की, मेरी संदेश सुनाने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की, मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। हर संडे हम इस तरह से एकत्रित होते हैं। दुनियावी कामों के लिए हमारे पास बहुत टाइम रहता है, लेकिन हर संडे यदि एक डेढ़ घंटा आप प्रभु के लिए निकालेंगे और यहाँ आएंगे तो आपको आत्मिक जीवन में हर तरह का अनुग्रह मिलेगा। प्रभु हर तरह से आपकी मदद करे। जय मसीह की।